विराट के बघेरी समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थन। शुरुआत करी थन रीवा जिला से, जहां टीआरएस कॉलेज के एक छात्रा लगभग 8 दिन से लापता हुई गए, जेकर शिकायत लेके एनएसयूआई छात्र संगठन रीवा एसपी का ज्ञापन सौंपी नहीं और मांग कही नहीं कि जल्द से जल्द छात्रा का ढूंढे माँ प्रशासन मदद करे। बताए दें कि एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा मीडिया का जानकारी दी के बतावा गया है कि टीआरएस कॉलेज के दूसरे साल के छात्र कुमारी अंजलि पांडे, पिता लक्ष्मण प्रसाद पांडे रोज टीआरएस कॉलेज में पढ़े के खातिर आवत रही, लेकिन 8 दिन से वह घर नहीं पहुंची ही। बतावा जात है कि बिटिया अबहिनो फोन में अपने मम्मी से बात करत ही और कहत रही ही कि मम्मी हमका बचा ले, हम बहुत दूरी आए गए हैं। आई देखित हैं एनएसयूआई संगठन एसपी ऑफिस पहुँच के मीडिया का बताई और रीवा एसपी नवनीत भसीन का कहल्ला है। आज हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है, विगत कई दिनों से 14 तारीख से, जो कि 14 दिसंबर से टीआरएस कॉलेज की एक छात्रा लापता है, जिसकी कार्रवाई मढ़ी अंतर्गत रायपुर करचुलियान अंतर्गत थाना आता है, वहां पे उसके परिजन ने रिपोर्ट डाला था 14 तारीख को ही शाम को। 14 तारीख को लड़की आती है कॉलेज में, क्लास लेती है, क्लास लेने के बाद शाम को वो उसको घर जाने का जब टाइम होता है वो घर के लिए रवाना होती, लेकिन वो घर नहीं पहुँचती है लड़की। उसके बाद रायपुर करचुलियान में उसके परिजन जाते हैं थाने में और शिकायत दर्ज करते हैं कि हमारी लड़की घर नहीं पहुंची है। उसके बाद वहां पे पुलिस थाना में कोई, आज दिनांक 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं, नाम लड़की बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी, अंजलि पांडे नाम है उसका, वो विगत 10 दिनों से गायब है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो लड़की फोन भी करती है, लड़की ने फोन भी किया दूसरे दिन सुबह अपनी माता बड़ी बहन को कि मम्मी मैं बहुत दूर आ गई हूँ मुझे बचा लो, इतना कहने के बाद वो फोन कट जाता है, फोन बंद हो जाता है। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग आज एसपी साहब के पास आए हैं। हम लोग टीआरएस कॉलेज के हैं, एनएसयूआई वाले हैं, हम सब उस छात्रा के लिए जो गायब हुई है हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो, अन्यथा हम 3 दिन के अंदर कॉलेज में भी तालाबंदी कर देंगे। अगर लड़की के जानकारी नहीं मिलती है कहाँ गायब है, क्या हुआ उसके साथ, जो भी हुआ है उसको सामने आए और उसकी जांच हो जल्द से जल्द, एसपी महोदय से यही हमारी मांग थी आज। 19 वर्षीय छात्रा जो अभी अपने घर पे नहीं पहुंची है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है अभी, और जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल थाना रायपुर को भी उसमें बताया गया है और साइबर सेल को भी उसमें शामिल किया गया है, जैसा कि उन लोगों ने बताया जिस नंबर से बात हुई है तो उसको देखते हुए, और दोनों को बताया गया है कि उनको शीघ्र से ट्रेस करें और जो भी और इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से मिल सकती है उनसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे कि जल्दी उनको वापस ला सके। खबर रीवा जिला से ही, जहां 8 दिन से छोट का बात का लेके खूनी संघर्ष चलावत लाग है और न जाने कब रुकी। अपना पंचन का बताए दी कि किराना के दुकान में मोबाइल का चार्ज में लगावे के बात का लेके सिटी कोतवाली थाना के अंदर आवे वाले बिछिया तकिया में मामूली झगड़ा होगा। आज फिर से आरोपी गण घर में घुसी के किराना व्यापारी के सगले परिवार के साथ मारपीट की नहीं। आज 8 दिन के पहले की बात है, उनकी लड़ाई हुई थी, मामा भांजन की लड़ाई हुई थी और थोड़ा मारपीट हुई थी, तो भागते हुए में टीन लग गया था उनके पाँव में, तो इन लोगों डलवा दिए, तलवार चलाया है। 8 दिन लाला घर पे नहीं थे, हम कल हाजिर किए लाला को पैसा भी दिए मरवाने के लिए, अल्लाह की करम से कुछ भी नहीं हुआ। कल वो हम जमानत करा के ले गए शाम के, सारा दिन कोर्ट यहाँ लगा, फिर कोतवाली लेके गए, कोतवाली में हाजिर किए, फिर कोर्ट ले गए, कोर्ट में हम जमानत कराए, शाम के ले गए। आज जैसे हमारे लाला अंदर से निकले, उन लोग सपूर रऊ मौलाना समीम और साहिद के लड़का सोभी सुभेल और मोदन के लड़का सो क्या कहते हैं अफरीदी जाहिद, इस सब मिलकर हमारे लड़का दामाद को तलवार मारे, जाके देख लीजिए लाठी डंडा पूरा मोहल्ला गवाह है। और ये लोग कहते ये कुछ लड़के ने थोड़ी सी मोबाइल के कारण बात हुई थी, ये मोबाइल मेरे दुकान में चार्ज में लगाया, हमारी बहन बोली कि हम ना लगाएंगे, इसके कारण ही लोगन आज इतनी बड़ी विवाह हो गए। ये हमारे दामाद हैं और हमारा सियाजुल निसा नाम है, हमारे में कहते हैं कि ये इनसे दुकान हटा दो, हम बिछिया तकिया में रहते हैं और मुज्जू के नाला के बगल में किराने की दुकान है हमारी, वो लोग कहते हैं कि इनसे हटा दो तुम्हारे दामाद ने बैठेंगे। कितने दिन से विवाह चल रहा है? आज 8 दिन हो गया। खबर रीवा जिला से ही, जहां एक बार फिर गौवंशन के साथ क्रूरता के मामला सौहे आवा है। बताई दी कि सोहागी थाना क्षेत्र के ग्राम खमहा नहर के नाला मा जानवरन के धकेले के मामला प्रकाश मा आवा है, जिसकी शिकायत मा पुलिस अज्ञात लोगन के खिलाफ मामला दर्ज कैली सी और पशु क्रूरता अधिनियम और मध्य प्रदेश किसान पशु परीक्षण अधिनियम के धारण के तहत मामला पंजीबद्ध कैलीन गा है। अपना पंचन का बताई दी कि यह कौनो पहल मामला ना आए,
जब जानवरन के साथ क्रूरता कई के पहाड़न से धकेला गया है। बताई दी कि एक तरफ गौशाला निर्माण के नाम पर करोड़न के घोटाला कीन जात लाग है और दूसरे तरफ जे के नाम में घोटाला कीन जाल लाग है उन्हीं जानवरन के साथ क्रूरता कीन जाल लाही। अपना पंचे देखी वीडियो जेका देख के अपनाओ के दिल दहल जाई कि कौन तरह से निर्दयी लोग गोवंशन के साथ क्रूरता कर रहे हैं। मुसलमानों को गले हुए कटवा देते हैं। एकड़ भाई कौन काम कर गए कहीं कौन एकदम ने जिंदगी वहां पे लिया और ये तीसरा दिन हो गया है। बाप इन्हीं कहां रहे थे कहां कहां भाई मर गया है। देखिए ना देखें दादा। खबर रीवा जिला से आवल लाही जहां एक बेरफेर किशोरी का युवक दुष्कर्म के शिकार बनाई सी। बताई दे कि यह मामला रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के आए जहां आरोपी राजेश लोनिया झांझर के रहने वाला आया। वह 15 साल के किशोरी का जबरदस्ती उठाए लेगा और दुष्कर्म के वारदात का अंजाम दी सी। आरोपी के चंगुल से छूटे के बाद किशोरी अपने घर पहुंची और पूर्व घटना के जानकारी घर वाले का दीस जेके बाद घर वाले किशोरी का लेके थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के धारण के तहत मामला पंजीबद्ध कर ली सी और आरोपी की तलाश कर रही है। खबर रीवा जिला से आवल लाही जहां मऊगंज थाना क्षेत्र में बड़ा भाई छोट भाई और अपने मम्मी पर प्राणघातक हमला कर दी सी जेमा छोट भाई और मम्मी का गंभीर चोट आई ही जिनका उपचार के खातिर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लावा गया है। छोट भाई अशोक कुमार तिवारी बताइन के बड़े भाई जेपी माँ काम करत है। घर में बोर लगा है जेकर सगला खर्चा उनकर पिता उठावत है। वही बोर के पानी घरे में उपयोग के खातिर बड़े भाई से मांगे पर जम के विवाद हुई गया रहा। बताई दे कि आक्रोश माँ बड़ा भाई छोट भाई और अपने मम्मी के ऊपर गड़ासा से हमला कर दीस। अपना पंचे देखी वीडियो पीड़ित का कहा थे। नाम है मेरा अशोक कुमार तिवारी और घर ढेरा और ये गड़ासा से मारे हैं। हमको भी मारे हैं, माता जी को भी मारे हैं। कौन मारा? भाई मारे हैं। विवाद क्या, क्या? पानी के लिए। पूरा बताइए। वो पिताजी बोले भतीज से कि लक्की पानी क्या ले लें तो भौजाई बोली कि तुम्हारा अधिकार नहीं होता है। फिर ये बोले ठीक है मेरी कमाई है, मोटर मेरा है और सब कुछ मेरा है, बोर भी हमारा है तो हम नहीं पिएंगे तो आप भी नहीं पियोगे। फिर इसके बाद वो लगा दिए भाई को फोन, भाई आकर के मेरे को भी हमको भी माता जी को भी मारा और गड़ास भी मार दिया। थाने में शिकायत हुई थी? हाँ सर, शिकायत हुई थी। कौन सा थाना? मोगन। क्या कार्रवाई हुई है? हाँ कार्रवाई होती थी तो वो जो अखंड प्रताप सिंह हैं ठाकुर तो उनका कोई हुआ है तो फिर ये बोले कि भैया ऐसा करो कि केस नहीं बनाना चाहिए आपको, मेरा पुलिस वाले को जो कहोगे तो मैं भोंस दे दूँगा। हाँ तो केस नहीं बना? केस नहीं बना। माता राम भारती हैं तुम, आप भी भारती हो? हाँ। रीवा जिला में लूट चोरी मारपीट हत्या जैसन घटना पर रोक लगावे में पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। बताई दे कि इसने एक मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से सौहे आबा है जहां बदराव में चोरी की घटना घटित भई। पीड़ित बताई कि आज सवेरे जब 6 बजे ओखर नींद खुली तब घर के दरवाजा खुला रहा और साथ में अलमारियों के ताला टूट रहा जेमा रखी नकदी लगभग 77,000 रुपया और सोने चांदी के गहना चोरी हो चुके रहे। पीड़ित के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। आई सुनी थे पीड़ित का कहा थे। एक्चुअली के कल जब रात में मैं ऑफिस से आया 11:30-12 बज रहे थे, खाना पीना खा करके मैं सो गया और परिवार सहित सब सो, बच्चे भी थे सब सो गए। बगल वाले रूम में जहाँ अलमारी रखी थी वो पूजा घर था, वहाँ अलमारी रखी हुई थी। सुबह जब 6 बजे उठे तो देखे तो अलमारी खुली थी, बगल का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। तो हमने कहा कि ये सोचा कि ये दरवाज़ा फिर खुला क्यों, तो हम सोचे शायद सुबह घर का कोई आदमी उठा होगा। फिर देखे तो अलमारी से पूरा सामान गायब था, तो उसमें कैश जो थे वो गायब हैं और सोने चांदी के जो जेवर थे वो सब गायब थे।
लॉकर में 77,000 थे और उसमें एक छोटा पर्स था एडीजो वाला, उसमें करीब लगभग 4,000 के करीब उसमें भी थे। सोना चांदी कितने का? सोना चांदी उसमें बहुत सारे सामान है, उसमें सामान है, लिस्ट है मेरे पास। उसमें लॉकर में रखा हुआ था 3 नग मंगलसूत्र सोने का, और 6 मंजिल वाला झुमका एक नग था, सोने का ही था, और 4 नग सोने की अंगूठी थी, और 3 नग कान का टप्स था, एक नग छोटी झुमकी सोने की, 5 नग छागल पायल चांदी के थे, एक नग चांदी की थाली, एक नग चांदी की चांदी का नारियल, और 10 नग चांदी की सुपाड़ी थी, चांदी के लक्ष्मी और गणेश जी थे, और एक नग जो थी नाक की नथ, नाक की नथ थी। कुल टोटल चोरी अगर देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए से ऊपर के जा रहे हैं। ये बदराव की है, भैया बाबा मेन गुड़ रोड में ही है, भैया बाबा के बगल में मकान है, वहाँ रहता हूँ, थाना सिटी कोतवाली। अब संदेह तो किसी के ऊपर नहीं है, किसको अपन बता सकते हैं, चोरी तो चोर अज्ञात है। हाँ, रिपोर्ट हो गई है तेज प्रताप सिंह। आज खातिर इतने, बघेली मविंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।